are all set to leave for the Dzuku Valley trek, and I am super excited, as you can see from my face. But it's going to be super fun because the place is just magical. Hi. He's a guide for the day and he'll take us to Dzuku. So we have already started the trek. Everybody is very excited. So this trek jo hai iske liye Kohima se you will have to reach a place called Khigwema. Wahan pe entry ticket lena hota hai. And uske baad wahan se there's a place. Hi. There's a place जहाँ तक आप कार से जा सकते हो, so take the car और जो भी sumo वहाँ तक, and वहाँ से trek start होता है. Trek का total length is 9 kilometers. कि 11:30 बजे. 11:40 हो रहा है and we are starting it. देखते हैं ऊपर कितने घंटे में पहुँचते हैं. Guys, we have reached to a midpoint. It's the viewpoint, okay, and you can just see what view we are talking about. It's so gorgeous. कितना सुंदर है, मतलब इसको देखो. जब हम लोग आए थे तो इस पे तो पूरा फॉगी हो रखा था. I'm really hungry and tired now, so I'll just eat. Yeah, we have a few things to eat. खा के then we'll all pack up and move ahead. और सामने का और सुंदर है. I'll just show you. Look. The starting का जो almost 1.5 hour है, that is a steep walk. काफ़ी steep है, it's not easy, but you can walk. It's not very difficult, it's tiring. मैंने अब आगे का normal है ना? No, it's just flat only. Flat, हाँ ना. अब आगे it's a flat walk. So बस starting में थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी it's easy. Let's go. So, चलते चलते हम लोग ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ चुके हैं, बिकॉज दिस इज सो अनरियल. दिस इज, मतलब ऐसे मुझे लग ही नहीं रहा कि हम इन अ रियल वर्ल्ड. इट्स सो डिफरेंट. आई हैव नेवर एवर सीन अ टेरेन लाइक दिस. ऑल्दो मैंने पिक्चर्स में बहुत देखा है Dzuku Valley का, बट ये रियलिटी में इट्स इनसेन यार. लाइक यू हैव टू कम हियर. स्टार्टिंग में ट्रिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नाउ इट्स वेरी इजी. मतलब ट्रेल्स आर नॉर्मली एंड वी जस्ट हैव टू वॉक थ्रू इट. It's so damn beautiful. If you're not coming here, you are gonna regret all your life that you have not seen anything in India. Matlab, it's damn beautiful. The struggle starts because यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है और मेरे shoes बिल्कुल waterproof नहीं है. क्या करूँ? Next time आ रहे हो तो please waterproof trekking shoes पहन के आना. मेरे जैसे गलती मत करना. मेरे जैसे गलती मत करना. हाँ. तो record से. हाँ, but दोनों ने, हम दोनों ने trekking shoes नहीं पहने हैं. Trekking shoes से actually बहुत help मिलती है. I'm just on my way, and अगर आपको आना है Dzuku Valley trek, you can come with a lot of, there are a lot travel companies, trekking guides वगैरह हैं, but I have come with a company called Experience Destination, जिनके hosts भी काफ़ी अच्छे हैं. They're very friendly and helpful. So if you want to come, you can check out their Instagram page. थोड़ा हाफ फ्री हुआ क्योंकि मेरा bag काफ़ी भारी है, पर इतना सुंदर है ना, इतना खूबसूरत है कि you'll forget everything. काफ़ी पतला ट्रेल है, चलने की भी जगह नहीं है, बट स्ट्रगल जा रही है भाई.
But it's fun. और सामने की एक झलक दिख रही है ना जब तो इतना प्यारा लग रहा है कि क्या ही बताया जाए. तो मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ. सबसे पहला सुबह सुबह फ्रेश होके आना भाई. फ्रेश होके आना बोले तो पेट खाली करके आना. दूसरा पॉइंट पानी हमेशा कैरी करना और इफ़ यू कैन ग्लूकोज पानी में ग्लूकोज बना के आना. इफ नॉट चीनी और नमक का घोल बना के ले आना. इट्स वेरी हेल्पफुल. शूज़ का मैंने बताया दिया भाई. जूतों के बिना तो मत ही आना. चप्पल में तो कतई मत आ जाना. तो ये मेन पॉइंट्स थे. बाकी कुछ आ रहा था तो आगे बताती हूँ मैं. तब तक देख लो व्यू. गाइज हम लोग उधर से आ रहे हैं. द प्लेस दैट यू सी वहाँ से हम पूरे चलते 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 ऐसे आए हैं और अभी पे ही 2 घंटे चलना बाकी है. बट रुक गए थे खूबसूरती को थोड़ा निहारने के लिए. जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल. ये पानी ऐसे नीचे ट्रेल जैसा आ रहा है. इट्स अ स्मॉल वाटरफॉल. कितना ब्यूटीफुली पुट है. लाइक नेचर इज एवरीथिंग मैन. जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इज दिस व्यू. तो बहुत सुंदर है. बट इसको बोलते हैं द डेड वैली बिकॉज यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं होता. दे आर लाइक दीज यू कैन सी ट्रीज ऐसे बट दे हैव नो लीव्स और दे आर जस्ट ब्रांचेज. द डेड ट्रीज बेसिकली. बट ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नेचर चाहे जैसा भी हो इवन इफ इट्स कॉल्ड डेड इट्स नॉट डेड एक्चुअली. मतलब घास है पाम लॉट ऑफ पाम ट्रीज छोटे छोटे. कितना सुंदर हो सकता है हर चीज़. लाइक जस्ट इमेजिन मतलब नेचर को डेड वैली भी इतना सुंदर है तो लाइव वैलीज तो और ही सुंदर होती है. सो तो ट्रिकी बात आ गया है. ये रॉक्स पर चलना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए अभी बिकॉज मेरे जूतों में ग्रिप नहीं है पहली बात. दूसरी बात मेरा बैग एटलीस्ट 15 किलो का होगा वेट में. एंड ओ गॉड. सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट देयर. मुझे दिख रहा है घर सा. आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं. बस वहाँ तक जाना है. एंड मुझे लगा था कि काफ़ी बड़ा टायरिंग ट्रैक होगा बट नहीं. स्टार्टिंग का थोड़ा सा स्टीप था. उसके बाद इट्स अ ईजी वॉक और काफ़ी छोटा है. आई थिंक वी डिड इट इन 3 आवर्स. अभी पता नहीं क्या टाइम हुआ. आई जस्ट वहाँ पहुँच के मैं चेक करूँगी कि कितने देर में हम लोग पहुँचे. गाइस वी आर हेयर. हेयर कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग. और ऐसे सांस में सांस आई है ये देख के. ये लग चुकी है वाह. मेरे ये हालत है. मेरे सॉक्स भी हो गए लाइन. तो मैं तो पहुंच गई हूँ. मैंने व्यू भी देख लिया है. अब आप लोग सोचोगे आखिर ज़ुकू वैली में ऊपर जाके है क्या. तो भाई देख लो क्योंकि जो भी है जन्नत से कम नहीं है. खाना पीना चालू है. तो शिता व्हाट इज इट. लाल चाय रेड टी. व्हाट इज लाल चाय. ऐसा चाय आई डोंट चाय. ये व्यू के साथ चाय. चाय पीछे दे. एंड व्यू. एंड व्यू. बस यूं ही चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करते करते रात कैसे गुजर गई कि पता ही नहीं चला. Good morning. It's the second day in Dzukou Valley and I thought of telling you guys a bit that I've experienced ताकि आप लोग next time आओ तो आपको help मिल जाए. पहली चीज़ खाली पेट मत आना. कुछ खा के आना बट बहुत हैवी खा के भी मत आना. आई नो बहुत यूजलेस ला पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड चीज़ डू कैरी थर्मल्स विथ यू और एक हैवी जैकेट जो लाइट वेट हो पर काफ़ी वार्म हो क्योंकि रात में बहुत ठंड हो जाती है. एंड इफ़ यू कैन कैरी अ शॉल टू. बट ये भी है कि ज़्यादा सामान लेके नहीं आना. तो ट्राई कि जो भी सामान आप ला रहे हो वो थोड़ा लाइट वेट हो बट वार्म हो इफ यू नो वॉट आई मीन. प्लीज आप अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ पूछना है यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. माई हैंडल इज सेम ट्रैवलोकॉर्न. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख लेना. एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे पता चला अबाउट ज़ुकू वैली जो अभी तक नहीं पता था कि ज़ुकू वैली नागालैंड का पार्ट नहीं है ना ही वो मणिपुर का पार्ट है. मतलब देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल. उन मणिपुर वाले बोलते हैं कि उनका है. नागालैंड वाले बोलते हैं कि उनका है. सो द रियलिटी आई डोंट नो बट
इसको प्लीज खोल दो. ब्रेकफास्ट इज हियर. क्या बना रहे हम रतन? सैंडविच. डीआईवाई सैंडविच. तो रतन के स्टाइल में ये डीआईवाई सैंडविच बनेगा आज. रतन इज अ गुड शेफ टू. अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन, ये कभी कभी कुकिंग भी करते हैं. ओके. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और इस वीडियो के अगले पार्ट देखने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं. तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ज़ूलेकी से. बाय.